अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। ये हुई ना बात, रूहान के दिल में जो शक का बीज बोया था वो अब पौधा बन चुका है। अब जल्दी से हैदर के साथ मंगनी की तैयारी शुरू करनी है, असली मजा तो तब ही आएगा। बहुत प्यारी लग रही हो। मुबारक हो गजल, दुआ की आंखों के सामने हैदर से मंगनी करने का मौका आखिर मिल ही गया, तो शो शुरू किया जाए। आओ बेटा। मन्ना, क्या हुआ? हमें पट्टी खुल गई है, बहुत तकलीफ हो रही है। दो बेटा, मैं बांध देती हूँ। अब अम्मी नहीं, आप मैं बांध दूंगी ना, आप जाइए, सब आपका इंतजार कर रहे होंगे ना। चंद घड़ियां और इंतजार कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। ये सब क्या कर रही हो तुम? करने दीजिए ना। और अच्छा तो लग रहा है, आज आपके पहनावे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सबको पता तो चले अब दुआ अख्तर के शौहर है। वो तो मैं हूँ, मेरी खुश नसीबी है कि मैं दुआ अख्तर का शौहर हूँ। लाओ ना इधर। अम्मी मैं दुल्हन हूँ ना, जब शामी आने तक जाऊँ तो लगना चाहिए कि दुल्हन आई है। और ये तो तभी हो पाएगा अगर मैं घर के सबसे अच्छे जोड़े के साथ जाऊंगी, यानी कि दुआ और हैदर। तो मैं चाहती हूँ कि दुआ और हैदर मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेकर जाए। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। और सुनो, रूहान भी तैयार हो गया है, उसे भी हल्दी के शामियाने तक ले आना। जी चलो। अच्छा दुआ हैदर अख्तर, वैसे मुझे लगता है यहाँ कोई है नहीं, क्यों ना हम वो करें जो हमारी हल्दी उपतन में किया था। कैसी बात कर रहे हैं आप? अब सारे मेहमान आने वाले हैं और दूल्हे का भाई वहां रस्में निभाने के लिए नहीं होगा तो लोग बातें बनाएंगे ना। चलिए दुआ। जी अम्मी। बेटा मैं चाहती हूँ हल्दी की थाली तुम खुद अपने हाथों में रखना, और तुम और हैदू बड़े शाहाना अंदाज में गजल को हल्दी के शामियाने में लेकर आना। जी अम्मी, मैं हल्दी की थाली सजा कर लेके आती हूँ। हाँ खुश। मैं अभी आई। और गजल तुम ये पट्टी अच्छे से बांध लेना, अगर हल्दी के वक्त निकल गई तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। नहीं अम्मी, इस बार ऐसा बंधन बंधेगा कि कयामत तक नहीं खुलेगा। आखिर इस गजल का प्लान क्या है, करना क्या चाहती है? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।